नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, हमारा एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड की 10वीं यूनिट चल रही है, प्रॉपर तरीके से टू द पॉइंट जैसा सिलेबस में लिखा हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं 9th यूनिट के बारे में। जी हाँ, जो कि बहुत सारे लोगों को तो कंटेंट ही नहीं मिलता है, सर आखिर 9th यूनिट में हमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पढ़ना क्या है, यही डाउट रहता है। और तमाम जितने भी एग्जाम में पर्यावरण पूछा जाता है वो भी यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, मेंस में हमारा 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर में यहाँ से 9th यूनिट से जितने भी प्रश्न बनेंगे टोटल 30 नंबर का आना है। तो अब हम पूरा कवर करेंगे, आज पहला लेक्चर है हमारा, धीरे धीरे सारा कवर हो जाएगा आपका। तो भाई, सिलेबस में क्या दिया हुआ है सर 9th यूनिट के? तो देखो, सिलेबस में नॉर्मली हमको पूरी की पूरी चीज़ें घुमा फिरा कर दी हैं। अगर हम कुछ टॉपिक पूरे कवर कर लेंगे तो सारा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा हमारा। तो चलिए, सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें, देखो, पर्यावरण की परिभाषा हम जानेंगे। पर्यावरण क्या है, उसके क्षेत्र क्या हैं, उसके आयाम क्या हैं, भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है, ये सभी चीज़ें उसमें आपके सब्जेक्ट में दी हुई हैं। मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, भैया पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, जैव विविधता क्या होती है, प्रदूषण क्या होता है और इनका सभी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब देखेंगे। पर्यावरण से संबंधित चुनौतियां, समस्याएं, जलवायु परिवर्तन, ओजोन क्षरण क्या होता है, इन पर हम बात करेंगे। फिर आगे आता है पर्यावरण की शिक्षा, कि भाई पर्यावरण के संबंध में जागरूकता, चिपको आंदोलन चलाया, कौन कौन से आंदोलन, एपिको आंदोलन, जागरूकता किस प्रकार से दी गई और किस प्रकार से हम पर्यावरण के प्रति जागरूकता ला सकते हैं, और पर्यावरण अनुकूलन प्रौद्योगिकी, कैसे हम नई नई टेक्नोलॉजी लाकर पर्यावरण को क्षरण से बचा सकते हैं, ये भी आ जाएगा इसमें। ऊर्जा संरक्षण आ जाएगा अपना, पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान, कि भाई कौन कौन से प्रावधान हम करेंगे पर्यावरण के क्षेत्र में। तो इन तमाम चीज़ों को हमको पढ़ना है, किस प्रकार से हम लिख पाएंगे पेपर में, सभी चीज़ें हम देखते हैं। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं मेंस की तो भी दिक्कत वाली बात नहीं, और लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए और बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि आपको कंटेंट ना मिलने के कारण एक दिशा नहीं मिल पा रही थी, यहाँ आपको दिशा प्रोवाइड की जाएगी और बिल्कुल जीरो से और बेसिक से समझाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पर्यावरण। अब सुनना, ये पर्यावरण बेहद इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आप ये बताओ पर्यावरण क्या है। हमें इतना सारा कुछ पढ़ना है तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए आखिर पर्यावरण है क्या, इसमें पढ़ते क्या हैं। पहले समझ विकसित करेंगे तब तो हम पेपर में लिख पाएंगे। तो याद रखना, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आप बचपन से सुनते आ रहे होगे, परिधन आवरण। चलिए हम एक एक चीज़ को बिल्कुल जीरो से समझते हैं, फिर हम बात करेंगे पर्यावरण के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले जो पर्यावरण है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक होता है परि और एक का मतलब होता है आवरण। आवरण तो परि का मतलब क्या होता है, परि का मतलब होता है चारों ओर। परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर, चारों ओर। और आवरण का मतलब होता है घेरने वाला, क्या होता है, घेरने वाला। मतलब इसके शब्द से हमें अर्थ निकल रहा है कि पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण। परि मतलब चारों ओर से और आवरण मतलब घेरने वाला, मतलब हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो हमें जो चारों ओर से घेरे हुए हैं वो सभी का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, पर्यावरण। तो सर कौन हमें घेरे हुए है, तो याद रखना, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो जल हो या वायु हो या पेड़ पौधे हो या कारखाने हो या मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी चीज, चाहे वो मानव निर्मित हो या प्रकृति के द्वारा निर्मित हो, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, हर एक वस्तु जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वो क्या हो जाएगा, पर्यावरण। अगर वो इंसानों को घेरे हैं वो इंसानों का पर्यावरण, जंतुओं को घेरे हैं जंतुओं का पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब है हमारे चारों ओर का परिवेश। हम समझते हैं पर्यावरण में पढ़ें क्या पढ़ें, अरे भाई आपके आसपास की चीज़ें, पानी बह रहा है तो जल, जल को आप किस तरह सुरक्षित रखोगे, जल में प्रदूषण हो जाएगा तो जल प्रदूषण पढ़ोगे आप देखते हो आपके आसपास जानवर, अगर जानवर समाप्त हो जाएंगे तो आपकी प्रकृति को खतरा है। पेड़ पौधों में अगर आप मिट्टी का ज़्यादा
और मतलब मिट्टी का अगर आप दुरुपयोग करोगे, भूक्षरण होगा, जिससे पेड़ पौधों को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जितनी भी हमारे आसपास चीज़ें हैं वो हम पर प्रभाव डालती हैं। तो आप सटीक और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में क्या बता पाओगे, पर्यावरण परिधन आवरण, मतलब चारों ओर हमें, चारों ओर से, हमारे चारों ओर से घेरने वाली जो भी वस्तुएं रहती हैं, चाहे वो जल हो वायु हो, इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरण की आप परिभाषा समझ गए। चलिए क्या लिखना है हमें पेपर में एक बार ये देख लेते हैं हम। अब देखो पर्यावरण का शब्द, पर्यावरण शब्द परिधन आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घेरना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है, उसके जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। अब कौन घेरे हुए है, तो आप बोल दोगे सर पर्यावरण में सभी प्राकृतिक, याद रखना पर्यावरण में सभी प्राकृतिक, मनुष्य निर्मित भवन, कारखाने, खेत आदि, सजीव निर्जीव, मृदा, खनिज, नदियां, पर्वत, सभी कारक सम्मिलित होते हैं। इनको रटना नहीं है, समझ विकसित करना है। पर्यावरण मतलब आपके आसपास, चाहे वो पहाड़ हो, पर्वत हो, नदी हो, कारखाने हो, स्कूल हो, हर एक चीज़ आप पर प्रभाव डालती है। मतलब हम बोल सकते हैं जितनी भी चीज़ें हमारे चारों ओर हैं वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। अब पर्यावरण कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये सभी सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल हैं। चलिए एक बार हम देखते हैं कि पर्यावरण का एक बृहद स्वरूप क्या हो सकता है, बोर्ड पर चलते हैं। पर्यावरण का विकास कैसे हुआ, पर्यावरण में क्या क्या चीज़ सम्मिलित है, तो हम देखने वाले हैं कि भाई पर्यावरण, जो हमारा पर्यावरण है वो किन किन सब्जेक्टों का समावेश है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इस पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले मूलभूत कण क्या बना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूलभूत कण क्या है, तो आप बोलोगे सर मूलभूत कण है हमारा, बिल्कुल देखना इत्मीनान से, पहले समझ विकसित करेंगे हम पहले लेक्चर में, मूलभूत कण। तो मूलभूत कण क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर परमाणु, क्या हो जाएगा परमाणु। परमाणु से क्या बन जाएगा, तो परमाणु से मिलकर क्या बनता है, आप बोलोगे सर अणु बन जाता है। परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु बनेगा। अणु से मिलकर क्या बन जाएगा, तो अणु से मिलकर यौगिक बन जाएगा, क्या बन जाएगा यौगिक बन जाएगा यौगिक। तो ये सारा का सारा आपका किसका सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स का हो गया। अब यौगिक से मिलकर क्या बनता है, तो आप बोलोगे सर यौगिक से मिलकर तो डीएनए आरएनए बनता है, अनुवांशिक पदार्थ बनता है, डीएनए आरएनए बनता है, अनुवांशिक पदार्थ बन जाता है। अब ये अनुवांशिक पदार्थ मिलकर क्या बनाता है, तो ये मिलकर बना देता है कोशिका, क्या बना देता है कोशिका बना देता है, सेल बना देता है। और कोशिका मिलकर क्या बनाती है, ऊतक बना देती है। ये आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, आप देख रहे हो। और ऊतक से मिलकर क्या बनता है, अंग बनता है। अंग से मिलकर अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र से मिलकर क्या बन जाता है, शरीर बन जाता है, क्या बन जाता है शरीर बन जाता है। ये पूरा का पूरा आपका बायोलॉजी का सब्जेक्ट शामिल हो गया। अब ध्यान से सुनना, अब ये जो शरीर होते हैं तो शरीरों का समूह मिलकर क्या बना देता है, जनसंख्या बना देता है। अब ध्यान से सुनना, ये जो समूह शरीर है ना, तो शरीरों का समूह क्या बना देगा, जनसंख्या बना देगा। अब वो जनसंख्या चाहे वो चींटी की हो सकती है, चाहे वो पक्षियों की हो सकती है, चाहे वो पेड़ों की हो सकती है, चाहे वो किसी की भी जनसंख्या हो सकती है। अब ये जनसंख्या पर्यावरण के साथ में, अपने आसपास के क्षेत्रों के साथ में संबंध स्थापित करते हैं। जब लोग, ये जनसंख्या मिलकर क्या करेगी, समुदाय बना देगी कि भैया पेड़ पौधों का समुदाय, इनका समुदाय, उनका समुदाय। तो लोग जनसंख्या से मिलकर क्या बन जाता है, समुदाय बन जाता है, सोसाइटियां बन जाती हैं। अब ये समुदाय पूरा का पूरा पर्यावरण के साथ में संबंध स्थापित करता है, और इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र। ये पर्यावरण है पर्यावरण, और यहां पर अलग अलग समुदाय हैं। ये समुदाय चाहे वो चींटी का समुदाय हो, चाहे वो इंसानों का हो, इसे बोलते हैं पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी।
पारिस्थितिकी कहा जाता है, इकोलॉजी हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा कि भैया जीवों का पर्यावरण के साथ क्या संबंध, एक समझ विकसित कर रहे हैं हम नॉर्मली किस प्रकार से ये सब्जेक्ट बना। अब जब पारिस्थितिकी तंत्र बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र मिलेंगे, ये लो ये है पारिस्थितिकी तंत्र 1, 2, 3, इस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र मिले तो इसी को क्या बोल देते हैं, वायोम या जीवोम बोल देते हैं, वायोम या इसी को जीवोम बोल देते हैं, जीवोम। तो बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र भैया, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र हम सब पढ़ेंगे, ये मैं समझ विकसित कर रहा हूँ, ये मिलकर बायोम या जीवोम बनाएंगे। और बायोम और जीवोम जब बहुत सारे मिलेंगे अलग अलग जगह के, राजस्थान का, इधर का, उधर का, तो ये पूरा का पूरी पृथ्वी पर, अमेरिका, इधर उधर, सबका मिला के बनाते हैं जैव मंडल। जैव मंडल ध्यान से सुनना, जहाँ पर जीवन पाया जाता है। तो इससे मिलकर क्या बनता है, तो आप बोलोगे सर पूरा का पूरा बन जाता है जैव मंडल। क्या बन जाता है, जैव मंडल। और जैव मंडल मतलब जल, स्थल और वायु का, तीनों का जहां पर समावेशन होता है उसको जैव मंडल बोलते हैं। अब ये जैव मंडल किस पर पाया जाता है, तो आप बोलोगे सर ये पूरा का पूरा जैव मंडल अगर देखा जाए तो ये कहां पाया जाएगा, तो ये पाया जाता है पृथ्वी पर, पूरी की पूरी किस पर पाया जाएगा, पृथ्वी पर। और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी क्या है, ग्रह आ जाएगा। और ग्रह किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप बोलोगे सर ग्रह सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं, सौर मंडल के अंतर्गत। सौर मंडल किस में आता है, तो सौर मंडल आता है आकाश गंगा के अंतर्गत, किसके अंदर, आकाश गंगा के अंतर्गत आता है आकाश गंगा। और आकाश गंगा वास्तव में किसके अंदर आती है, तो आकाश गंगा आ जाती है ब्रह्मांड के अंदर, किसके अंदर, ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगा आ जाती है, यूनिवर्स। तो आप देख रहे हो ये पर्यावरण कोई एक सब्जेक्ट ना होकर पूरे ब्रह्मांड को समाहित करके रखे हुए है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लेके हर एक चीज, चाहे वो आपका अंतरिक्ष विज्ञान हो, चाहे हर चीज। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी सभी में संबंध स्थापित कर रहा है, आपके ग्रह नक्षत्रों में, मूलभूत कणों में, जीवों में। तो पर्यावरण को समझना बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर पर्यावरण नहीं आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जीव किस प्रकार से अपने आसपास के क्षेत्रों में संबंध स्थापित करते हैं। तो पहली चीज आपको क्लियर हो गई, पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण हमारे चारों ओर का क्षेत्र है, मतलब हमें जो जो चीजें आपस में घिरे हुए हैं, चारों ओर का घेरा, वो क्या कहलाएगा, पर्यावरण। और पर्यावरण में एक सब्जेक्ट ना होकर कई सारे सब्जेक्टों का समावेशन है, मतलब एक दूसरी चीज को पर्यावरण जोड़े रखता है। और याद रखना, ये पर्यावरण अभी अभी नहीं आया है दृष्टि में, आप देखते हो कि भैया पर्यावरण की अवधारणा विकसित होती जा रही है, ये विदेशी जो लोग हैं, पाश्चात्य संस्कृति है, वहां पर इन्होंने क्या किया है, चीजों का दोहन किया है, संसाधनों का अति दोहन करना चालू कर दिया। लेकिन भारत देश दोहन ना करके हम संसाधनों के संरक्षण पर जोर देते हैं। हम प्राचीन काल से ही ऐसा मानते चले आते हैं कि हवा, जल, वायु, वनस्पति ये देवता हैं। ऋग्वेद में आप देखते हो तो हम इनकी पूजा करते हैं, और साथ ही साथ हम गाय की पूजा करते हैं। हम तो पर्यावरण के संरक्षण के प्रति सचेत हैं कई सालों से। तो चलिए इसके बारे में अब हम जानते हैं, बिल्कुल समझ विकसित कर रहे हैं, ध्यान देते चलना सभी लोग पूरा का पूरा। अब देखो पर्यावरण की अवधारणा और आयाम देखें, तो सबसे सरल अर्थों में हमारा परिवेश ही क्या होता है, तो आप बोल दोगे हमारा परिवेश ही क्या जाएगा, पर्यावरण। और भारतवर्ष ऐसा देश है, भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, भारतवर्ष ऐसा देश है जहां पर्यावरण से संबंधित ज्ञान नया नहीं, अपितु एक धरोहर है। हम उसको धरोहर के रूप में मानते हैं, जैसे हमारे दादाजी की संपत्ति पिताजी को, पिताजी की हमें ऐसे धरोहर के रूप में मिलती है, ऐसे ही हमें जो पृथ्वी पर संसाधन मिले हैं, चाहे वो खनिज संसाधन हो, जल हो, मृदा हो, भूमि हो, वायु हो, हर चीज हमारे लिए एक धरोहर है, हमें उसे बचा के रखना है, अगली पीढ़ी तक पहुँचाना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पृथ्वी को माता मानने का दृष्टिकोण हमारा पहले से ही चला आ रहा है, पृथ्वी माता है। और मम्मी से तुलना कर दी, मतलब हम दुनिया में सबको कष्ट पहुँचा
पहुंचा सकते हैं, लेकिन माता को कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकते, मम्मी को कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए हमने पृथ्वी की तुलना माता से की है ताकि हम इसको कोई नुकसान ना पहुंचाएं। माता हमेशा अपने बच्चों को क्या करती है, लार दुलार करती है, हमेशा उसका हित चाहती है। तो ऐसी पूरी पृथ्वी हम लोगों का हित चाहती है। हमारे आसपास जितने संसाधन हैं वो हमारे लिए हैं, लेकिन ये उपहार नहीं है कि बस आप जितना चाहे उपयोग करते जाओ। सभी की आवश्यकता पूरी की जा सकती है, लेकिन लालच को पूरा नहीं किया जा सकता। लालची नहीं बनना है हमें, यही हमको इसमें सीखना है। तो याद रखना, हमारे अतीत से ही जीवन में सहज विद्यमान रहा है, मतलब दृष्टिकोण कैसा है, पृथ्वी को बचाने का रहा है भारत का। अब देखो पर्यावरण के अंतर्गत सर हम पढ़ेंगे कि हम ये तो समझ गए पर्यावरण क्या है, हमारे दिमाग में आ गया पर्यावरण की एक विशाल अवधारणा। अब पर्यावरण में वास्तव में पढ़ना क्या है, पर्यावरण में शामिल क्या करते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण का निर्माण 5 प्रमुख तत्वों से होता है। कौन कौन से 5 प्रमुख तत्व हैं, मिट्टी खेतों में जो रहती है, खनिज एवं सेल मिट्टी के अंदर ही आ जाएंगे, खनिज और सेल से ही मिट्टी बन जाती है, जल वायु ऊर्जा एवं जीवों के संयोजन से हुआ है। पृथ्वी का निर्माण किससे हुआ है, हवा जल मिट्टी वायु, साथ ही साथ जो सजीव वस्तुएं हम लोग जो हैं पेड़ पौधे हैं, ये सभी आपस में एक संयोजन कर रहे हैं। हम पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, तो पेड़ पौधे भोजन बनाते किससे हैं, सूर्य के प्रकाश से। हम खेतों में फसल का उत्पादन करते हैं, पानी कहाँ से मिल रहा है, प्रकृति से। तो एक दूसरे से ये घटक आपस में संबंधित हैं। तो ये जो पृथ्वी जिन चीज़ों से मिली है, ये सभी आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। तो याद रखना, वायु ऊर्जा एवं जीव के संयोग से हुआ है। ये सभी तत्व या कारक जिनसे पर्यावरण बना है, सभी पर्यावरण के संघटक हैं, मतलब कंपोनेंट्स बोल देंगे, आयाम बोल देंगे, इन्हीं से मिलकर पूरा पर्यावरण बना हुआ है। अब मूल रूप से देखते हैं पर्यावरण के आयाम कितने होते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र कितने होते हैं, घटक कौन कौन से होते हैं, इस पर अब हम बात करते हैं। तो पर्यावरण के संघटक, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पर्यावरण के सभी घटकों को उनकी प्राकृतिक धारणा के आधार पर 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। मतलब अगर आपको देखो, ऐसे तो हम मिट्टी को अलग से नहीं पढ़ सकते, हवा को अलग से नहीं, तो हमने क्या करा, हमने सभी को एक साथ रख दिया कि भाई इनको हम 3 को पढ़ लेंगे तो 3 में सब कुछ आ जाएंगे। तो पृथ्वी के जो घटक हैं, पेपर में आपसे पूछे कि भैया बताइए पर्यावरण के घटक, तो आप आराम से बता सकते हो कि सुविधा की दृष्टि से हमने इन्हें 3 भागों में बांटा है। 3 समूह कौन कौन से आ जाएंगे, सबसे पहले आप देखोगे अजैविक घटक, अजैविक घटक, ठीक है, एक कौन सा आ जाएगा जैविक घटक, और एक कौन सा आ जाएगा आपका सांस्कृतिक या सामाजिक घटक, सांस्कृतिक या फिर आ जाएगा, और इसी को बोल देंगे सामाजिक घटक, सामाजिक सामाजिक, ठीक है, सोशल। अब समझते हैं कि भैया ये अजैविक घटक क्या होता है। अजैविक कंपोनेंट्स का मतलब, देखो थोड़ी बहुत तो समझ आप में भी है, अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। तो मैं तो ऐसे समझा रहा हूं जैसे पहली बार पीएससी की तैयारी कर रहे हो आप 12वीं पास करके, ध्यान देना, ठीक है। अजैविक मतलब अजैविक, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, जो मृत अवस्था में होता है, अजैविक है। तो अजैविक घटक में कौन आएगा, आप देखते हो सूर्य के प्रकाश में जीवन है क्या, नहीं, वायु में जीवन है क्या, नहीं, जल में जीवन है क्या, नहीं। तो ये अजैविक घटक है, मृदा वायु जल सूर्य का प्रकाश, लेकिन ये हम पर प्रभाव डालते हैं, याद रखना। तो ये अजैविक घटक क्या कहलाएंगे हमारी पृथ्वी में, जिनमें जीवन नहीं होता है, जैसे वायु जल मिट्टी मृदा खनिज, तो जितने भी चीज जो होते हैं अजैविक घटक होते हैं। और ये अजैविक घटक इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये जैविक घटक को प्रभावित करते हैं। अगर अजैविक घटक नहीं होंगे तो जैविक घटक की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर पूरी पृथ्वी से पानी को प्रदूषित कर दें हम, तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। पूरी पृथ्वी से अगर मान लो हम क्या कर देंगे, ह्यूमिडिटी आर्द्रता या फिर मृदा या फिर इनमें से एक भी चीज को खराब कर देंगे, मृदा में से अगर पोषक तत्व चले गए तो खेती नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि मृदा से ही कैल्शियम फास्फोरस पोटेशियम मैग्नीशियम सभी पेड़ पौधों को मिल रहे हैं। अगर मृदा ही अवक्षरण हो जाएगा, मृदा में ही ये तत्व नहीं रहेंगे, आप इतने पेस्टिसाइड यूज कर दोगे कि मृदा खराब हो जाए, तो फिर पोषक तत्व पौधों को कैसे मिलेंगे। तो यही तो हमें पर्यावरण में समझना है। तो ये अजैविक घटक है, और जैविक घटक का मतलब ऐसी घटक
जिनमें जीवन पाया जाता है, जिनमें जीवन होता है, चाहे वो आपके पेड़ पौधे हों, चाहे वो जंतु हों, चाहे वो आपके छोटे से सूक्ष्म जैविक हो, सूक्ष्म जीव हो, जो हमने थर्ड यूनिट में पढ़ा है। सूक्ष्म जीव मतलब बैक्टीरिया या कवक या लाइकेन, या फिर आप बोल दोगे सर शैवाल वगैरह, अपघटन करता आ जाएंगे, अपमार्जक आ जाएंगे। तो इन सभी से मिलकर क्या बनता है? जैविक। तो पौधे, पेड़ पौधे, जंतु, जीवाणु, सूक्ष्म जीव बोल सकते हैं हम, सूक्ष्म जीव। अगर ये सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो भी पृथ्वी नहीं चल पाएगी। कैसे? अभी बताऊंगा। अपघटन करता है। अगर मान लो पृथ्वी पर कहीं जानवर मर जाता है, गंदगी इकट्ठी होती है, तो साफ कौन करता है? अपघटन करता। अगर ये नहीं होंगे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, कवक वगैरह, तो पूरी पृथ्वी पर इतनी गंदगी इकट्ठी हो जाएगी कि श्वास लेना मुश्किल हो जाएगा। बदबू के कारण जीवित नहीं रह पाएंगे हम। तो हर एक चीज पृथ्वी पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे आसपास है। आप ये मत सोचो ये बैक्टीरिया चले गए तो दिक्कत में आ जाएंगे हम। हमारी पूरी बॉडी में जितनी सेल नहीं है उससे 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया हैं। तो सोचिए, हर एक चीज बहुत जरूरी है। अगर पूरी पृथ्वी से कीड़ों को खत्म कर देंगे, इल्लियों को खत्म कर देंगे, तो पक्षी खाएंगे क्या? आपका खाना, आपके गेहूं, आपकी, आप क्या खाओगे फिर? तो हर एक चीज के लिए हर एक चीज बनाई गई है। हर एक कंपोनेंट्स जो घटक बनाया गया है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी को हम पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। एक समझ विकसित करना, ब्रॉड कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, रट्टा नहीं मानने वाला, ध्यान देना, मेंस का पढ़ रहे हो आप। तो ये इतना क्लियर हो गया। अब इन दोनों को मिलाकर बनता है सांस्कृतिक या सामाजिक। सांस्कृतिक मतलब मनुष्य के द्वारा निर्मित घटक। भैया फैक्ट्री लगा दी, धर्मशाला बना दी, मंदिर बना दिए हमने कारखाने खोल दिए, तो हमने अपनी उन्नति के लिए पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित किया। हमने फैक्ट्री लगाई तो वहाँ पर पानी आया, वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें प्रकृति से ली, तब फिर हमने वहाँ पर एक नई चीज़ बनाई। कुछ संस्कृति हमारी, संस्कृति हम गाय को माता मानते हैं, तो हम पर्यावरण के जैविक घटक के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। पेड़ पौधों को हम भगवान या देवता मानते हैं, सूर्य के प्रकाश को, पवन को, हर चीज़ को हम देवता के रूप में पूज रहे हैं। मतलब संस्कृतियों का विकास भी पर्यावरण से ही हो रहा है। अगर आप मान लो कहाँ रह रहे हो, रेगिस्तानी एरिए में, तो आप खजूर को फल मानकर क्या मानने लगोगे? आप भगवान को खजूर चढ़ाने लगोगे। अगर आप पानी वाले एरिया में रह रहे हो तो आप श्रीफल नारियल चढ़ाने लगोगे। अगर आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ जानवर ज़्यादा है तो आप बलि देने लगोगे। तो मतलब पूरी की पूरी संस्कृति आपके पर्यावरण पर निर्भर है कि आप किस एरिया में कैसे रह रहे हो। जो संसाधन आपको मिलते हैं आप वो प्रकृति से लेकर भगवान को समर्पित कर देते हो या अपनी अजम्पशन बना लेते हो। और जो जीव जितना ज़्यादा इन घटकों के साथ संबंध स्थापित करेगा उसके जीवित रहने की और वंश वृद्धि करने की संभावना उतनी अधिक होगी। सर कैसे? अरे मनुष्यों को देखो ना आप, मानव ने प्रकृति के साथ में कितना अच्छा संबंध स्थापित किया है। लगातार वृद्धि कर रहा है, वो कारखाने खोल रहा है, कहीं कुछ खोल रहा है, कहीं कुछ, क्योंकि वो जीवों में धीरे धीरे संबंध स्थापित कर रहा है। हमारे अंदर बैक्टीरिया इतने ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमने उनसे संतुलन अवस्था में वृद्धि करा रहे हैं। मतलब हमारे अंदर इम्यून सिस्टम मजबूत है, प्रतिरक्षी तंत्र मजबूत है, इसीलिए हमें उनसे नुकसान नहीं होता है। हमारे साथ वो रहते हैं, हमारे चारों ओर वो हैं। समझ विकसित हो रही है थोड़ी बहुत? अब इस प्रकार से क्या होता है, अब एक एक घटक को मैं आपको अब पढ़ाने वाला हूँ कि सर पेपर में कैसे लिखेंगे, ये तो हम समझ गए, शब्द कैसे लिखेंगे। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं तीन में कौन कौन से हैं। सबसे पहले भौतिक संघटक। तो भौतिक संघटक का मतलब होता है भौतिक पर्यावरण में, मैं एक बार पढ़ के बता रहा हूँ क्या बात समझाया है मैंने। भौतिक पर्यावरण में पर्यावरण के अजैविक घटक शामिल होते हैं। अजैविक मतलब जिनमें जीवन नहीं होता है। तो भौतिक घटक में क्या जाएंगे? अजैविक घटक। ठीक है, तो इसमें विभिन्न प्राकृतिक घटक जैसे हवा, पानी, मिट्टी, चट्टान इत्यादि के साथ साथ मनुष्य द्वारा निर्मित विभिन्न संरचनाएं जैसे घर, बगीचे, कारखाने, सिनेमाघर आदि शामिल होते हैं। तो क्या सिनेमाघर भी, पेपर में क्वेश्चन आ गया, क्या सिनेमाघर भी पर्यावरण का हिस्सा है? तो जी हाँ, हमें जो चारों ओर से घिरे हुए है वो हर एक चीज पर्यावरण है। शुरू में मैंने परिभाषा बता दी है। तो चाहे वो सिनेमाघर हो, चाहे वो बगीचे हो, चाहे कारखाने हो, चाहे वो अजैविक घटक हो, सारे के सारे भौतिक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो पहला घटक भौतिक संघटक, दूसरा आपका आ जाएगा जैविक घटक। जैविक घटक में क्या आएगा? इसमें हमारे चारों ओर के भौतिक वातावरण के सजीव घटक आते हैं।
पहले निर्जीव देखे, अब सजीव घटक आते हैं और उनकी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, मतलब खाना खा रहे हैं वो, आपस में संबंध कर स्थापित कर रहे हैं वो, सारी की सारी उनकी क्रियाएं प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी और उनके बीच एवं भौतिक पर्यावरण में होने वाली प्रक्रियाएं जैविक पर्यावरण में हम शामिल करते हैं। तो आप सटीक सीधा लिख सकते हो, जैविक मतलब इनमें जीवित जीव आते हैं जैसे पेड़ पौधे और जंतु, कुछ बैक्टीरिया कवक वगैरह जो आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं और परस्पर क्रियाओं को करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका जैविक घटक हो जाएगा। तो ये पर्यावरण की घटक। अब तीसरा ध्यान सुनना, जैविक घटक में इसी तरह पेड़ पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। भाई जैविक घटक अजैविक घटकों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, तब भोजन बनाते हैं। सजीवों की श्वसन क्रिया, अगर हम पर्यावरण के अजैविक घटक के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे तो हम श्वास कैसे लेंगे, ऑक्सीजन तो हमें अजैविक घटक से ही मिल रही है। साथ ही साथ खाद जाल और खाद श्रृंखला, खाद जाल क्या होता है, खाद श्रृंखला क्या होता है, मैं आगे वाले लेक्चरों में आपको पढ़ाऊंगा। बिल्कुल जीरो से हम हर चीज़ देखेंगे, जैविक पर्यावरण में शामिल होते हैं। आप इस प्रकार से 5 नंबर में पूरा फ्रेम कर सकते हो, 11 में आएगा तो आप पूरा डिटेलिंग लिख पाओगे हर एक चीज़ को। सांस्कृतिक संघटक, सांस्कृतिक संघटक में इसके अंतर्गत मानव के आवास, घर जहां उसने बनाया है, बस्तियां, आर्थिक कार्य कमाने के लिए जो कार्य करता है, धार्मिक एवं सामाजिक दशाएं, राजनीतिक तथा समायोजन एवं पुनरुत्पादन आदि घटक आते हैं। मतलब आप बोल सकते हो सांस्कृतिक में वो घटक आते हैं जो मनुष्य के द्वारा निर्मित हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, या वो राजनीतिक घटक हो। राजनीति के लिए मतलब आपको देश में राजनीति करनी है तो राजनीति के लिए अलग घटक हैं कि आप किसको संरक्षण दे रहे हो, कौन सी चीज़ आप बायोस्फीयर घोषित कर रहे हो, किसको आप क्या कर रहे हो। तो ये राजनीति के अंतर्गत भी, राजनीति भी पर्यावरण से प्रभावित होती है। कहीं पर तेल की राजनीति की जाती है जहाँ पर ऑयल ज़्यादा होता है, जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा आए तो वहाँ प्राकृतिक संसाधनों में भी अलग अलग, मैंने 8th यूनिट में आपको पढ़ाया है, कहीं पर परंपरागत ज़्यादा है, कहीं पर अपरंपरागत, कहीं पर नवीकरणीय ज़्यादा है, कहीं पर अनवीकरणीय ज़्यादा है, तो उनके हिसाब से राजनीति की जाती है। इन घटकों में जैविक एवं अजैविक तत्वों के मिश्रित स्वरूप को या दोनों के अंतर संबंधों को शामिल किया जाता है। मतलब सांस्कृतिक घटक में दोनों ही शामिल होंगे। समाज किससे मिलकर बन रहा है, जैविक और अजैविक घटकों से ही मिलकर बनता है। हम कुत्ते को पालते हैं तो कुत्ता हमारे साथ रहता है, वो पर्यावरण का हिस्सा है हमारे, ठीक है। तो और अब ध्यान देना, मनुष्य के सामाजिक रूप से सबसे ज़्यादा विकसित होने का कारण क्या है, उसकी पारस्परिक क्रियाएं। सामाजिक पर्यावरण का बहुत अधिक महत्वपूर्ण घटक है। सामाजिक या सांस्कृतिक पर्यावरण में मनुष्य क्यों सबसे ज़्यादा तेजी से उभरा है, क्योंकि उसने जैविक और अजैविक घटक के साथ में क्या किया है, परस्पर क्रियाएँ की हैं और उसने संबंध स्थापित कर लिया है। ये आपके टॉपिक में दिया हुआ है, ध्यान देना, एक एक चीज़ को समझना। इस प्रकार पर्यावरण के केवल भौतिक घटक ही नहीं बल्कि जैविक घटक भी सामाजिक वातावरण की पारस्परिक क्रियाओं को में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब आपसे पूछा जाएगा पर्यावरण किससे मिलकर बना है, तो आप बोलोगे सर जैविक घटक और अजैविक घटक और सांस्कृतिक घटक और सामाजिक घटक से मिलकर बना है। जैविक मतलब जिनमें जीवन पाया जाता है, अजैविक मतलब जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जो कि मनुष्य के द्वारा भी निर्मित हो सकते हैं, कारखाने, घर, बंगले, सब चीज़ें, क्लियर। और सांस्कृतिक में दोनों शामिल होंगे, उसमें राजनीतिक भी आ जाएगा, सामाजिक भी आ जाएगा, आर्थिक भी आ जाएगा, मनुष्य जो क्रियाएं करता है कमाने के लिए। तो इस प्रकार हमने देखा पर्यावरण के घटकों के बारे में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये पर्यावरण के प्रति लोगों की चेतना कब विकसित हुई, पर्यावरण की तरफ लोगों का रुझान कब गया, तो इसको जानेंगे हम पारिस्थितिकी और पर्यावरण। अब ध्यान देना, आखिर पारिस्थितिकी और पर्यावरण के प्रति लोगों का ध्यान कैसे गया। पारिस्थितिकी का मतलब होता है कि जीवों का पर्यावरण के साथ संबंध, पर्यावरण और जीवों का आपसी संबंध, मतलब जीव अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, संसाधनों के बारे में कैसा संबंध स्थापित करते हैं, उसे पारिस्थितिकी बोलते हैं। और पर्यावरण मतलब चारों ओर का क्षेत्र। तो आप पूरा फोकस करना, अब मैं जो बताने वाला हूँ बेहद इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले सर ये पर्यावरण की शुरुआत कैसे हुई ये बताओ हमें। तो याद रखना 1972 से पहले तक हर एक देश ऐसे मानते थे कि पर्यावरण तो अपरिवर्तनीय है, पर्यावरण में कोई परिवर्तन नहीं होता, जितना चाहे इसका दोहन करते जाओ, औद्योगिक क्रांति ले आओ, कोयला जलाओ, कुछ भी करो, हर एक देश यही मानता था कि पर्यावरण तो भैया गिफ्ट में मिला है, कभी खत्म नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा।
तब फिर क्या हुआ, सभी देशों ने मिलकर एक सम्मेलन आयोजित किया 1972 में, 1972 में क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में कुछ देश इकट्ठे हुए, लोग देशों ने आपस में बातचीत की, भैया यार पर्यावरण बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे आसपास की चीज़ें हम जिनका दोहन कर रहे हैं, आगे मिल पाया या नहीं मिल पाया। तो लोगों में एक समझ विकसित होने लगी पर्यावरण के बारे में। और ये 5 जून को आयोजित हुआ था, कितनी तारीख को आयोजित हुआ था, 5 जून को ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। और इसमें पर्यावरण के बारे में बात की गई थी, किसके बारे में, पर्यावरण के बारे में बात की गई थी। तो सबसे पहले 1972 में 5 जून को पर्यावरण के बारे में बात की गई, और ये पहला मुद्दा था जिस पे अमेरिका और रूस दोनों ने किसी भी प्रकार से मतभेद नहीं हुए, मतलब दोनों ने सहमति जताई थी और सभी देशों ने एकजुट होकर एकजुटता के साथ में इस विषय को स्वीकार किया। और इसी दिन 5 जून को हम प्रतिवर्ष क्या मनाने लगे, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने लगे। पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब की गई, तो आप बोलोगे 1972 में, 5 जून 1972 को सम्मेलन हुआ, इसी सम्मेलन से पृथ्वी के बारे में, पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूकता हुई। अब यहाँ पर 5 जून 1972 को देशों ने बोला कि हम हर 10 साल में ये देखेंगे, परखेंगे कि कितना परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या सुधार किए जाएं। तो इसके बाद में फिर क्या हुआ, एक और सम्मेलन 10वीं वर्षगांठ पर नैरोबी कीनिया में क्या हुआ, एक सम्मेलन आयोजित किया गया, ध्यान से सुनना, 1982 में नैरोबी कीनिया में एक सम्मेलन आयोजित किया गया और देखा गया कि पर्यावरण में क्या परिवर्तन हो रहा है। तब पता चला कि 10 साल में बहुत कुछ बदल गया, अब कुछ सुधार की जरूरत है, हर एक देश चिंतित होने लगा। तब क्या हुआ, अब इसकी 20वीं वर्षगांठ हुई, ध्यान से सुनना, 20वीं वर्षगांठ, जब 20वीं इसकी वर्षगांठ हुई तो इसकी भूमिका कहाँ जमा दी गई थी, इसी में जमा दी गई थी 1982 में। 20वीं जो वर्षगांठ हुई ये कहाँ पर हुई, तो याद रखना स्टॉकहोम, रियो डी जेनेरो। ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये स्टॉकहोम में हुआ था, कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है, स्वीडन में है, स्टॉकहोम में हो गया था। और जो 20वीं वर्षगांठ थी ये रियो डी जेनेरो में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो में ये हो गई थी। और ये ध्यान देना, ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसका नाम रख दिया था पृथ्वी सम्मेलन, क्या नाम रख दिया था, पृथ्वी सम्मेलन नाम रख दिया था। क्यों रखा गया था, क्योंकि पृथ्वी के लगभग सभी देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भारत भी गया था। तो 1992 में 20वीं वर्षगांठ मनाई गई, मतलब कौन सा था ये, 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ, पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इसी में UNFCCC, हम आगे पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज से संबंधित, जलवायु परिवर्तन से संबंधित संस्थाएं बनाई गई जो रिपोर्ट देगी हर साल। इसी में एजेंडा 21, 21वीं शताब्दी कैसी होगी वो तैयारी की गई, हम आगे पढ़ेंगे इनको। साथ ही साथ इसी में बताया गया कि सतत धारणीय विकास कैसा हो, कि आगे चल के हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी संसाधन उपलब्ध हो सके, सिर्फ हम स्वार्थी बनकर उनका उपयोग ना करें। तो सतत धारणीय विकास की भी संकल्पना इसमें पारित हुई। और दोस्तों 1992 वह साल है जहां पर निर्णय लिया गया कि हर देश की किताबों में, पाठ्यक्रमों में पर्यावरण को जोड़ दिया जाए। तब फिर पर्यावरण को क्या कर दिया गया, यहां से एक विषय के रूप में हर एक देश के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया। इतना अब आप समझ गए होगे, तो चलिए देखते हैं इसका विकास और आविर्भाव किस प्रकार हुआ। तो सबसे पहले यह विषय 1972 में अवतरित हुआ, विश्व में स्टॉकहोम स्वीडन में यह सम्मेलन आयोजित हो गया था 5 जून को, और उसी दिन प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में हम मनाते हैं। आगे आते हैं, पहले सभी देश मानते थे कि पर्यावरण में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन याद रखना पर्यावरण परिवर्तनशील होता है, लगातार बदलता है, इंपोर्टेंट लाइन बोल दी है मैंने, परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन इस सम्मेलन के द्वारा पहली बार संपूर्ण विश्व को पर्यावरण के महत्व को समझने की कोशिश की गई। साथ ही साथ विश्व में पहली बार एक ऐसा विषय था जिस पर अमेरिका और रूस दोनों में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं था,
ये सब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विषय ने विश्व के सभी देशों को एक साथ एकजुट होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब सर आखिर हम पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ेंगे क्या? पर्यावरण के अंतर्गत हमें पेपर में लिखने क्या आएगा? तो इन्हीं को अब मैं बताने वाला हूँ। देखो हमारा पूरा सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस को इन टॉपिकों में पूरा हम कवर कर लेंगे। तो चलिए अब हमें पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ना क्या है, ठीक है? थोड़ा सा जो मैंने अभी समझाया है वो और बता देता हूँ। 1982 में इसकी 10वीं वर्षगांठ का आयोजन हो गया नैरोबी कीनिया में। फिर 1992 में 20वीं वर्षगांठ पर एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ। पृथ्वी सम्मेलन नाम इसलिए रखा गया क्योंकि पहली बार इतिहास में इस वर्ष विश्व के लगभग सभी देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैं हर एक चीज़ लिख कर दे रहा हूँ ताकि समझाने के बाद आप नोट्स बना सको, और आप हार्ड नोट्स चाहते हो तो 10 यूनिट की 10 किताबें आपको मिल रही हैं। सॉफ्ट नोट के रूप में आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल रहा है हर एक टॉपिक के नीचे, तो 10 यूनिट में दिक्कत नहीं आएगी प्यारे दोस्तों। अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हो तो डाउनलोड कर लो जीएस जीनियस एकेडमी का एप्लीकेशन, 80% ऑफ चल रहा है, फिर मौका रहे ना रहे। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक एक चीज़ ऐसे समझाऊंगा कि पेपर में आप टॉपर की कॉपी उठा के देखना, आप बोलोगे ये तो मेरी कॉपी है, क्योंकि आप ही टॉपर रहोगे अगर जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखोगे। तो पूरा फोकस करना बस। अब देखते हैं इस विषय के अंदर शामिल क्या क्या किया गया। 1992 में स्कूल कॉलेजों में इसको हमने जोड़ दिया। अब देखो पारिस्थितिकी और पर्यावरण, पारिस्थितिकी का मतलब होता है जीव जंतुओं का पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है, उसे पारिस्थितिकी बोलते हैं। तो अब पर्यावरण के अंतर्गत हमने दो सब्जेक्टों में बांट दिया, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। परंपरागत मतलब जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है, गैर परंपरागत जो वर्तमान समय में कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, कुछ मुद्दे आए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो परंपरागत में हमको क्या पढ़ना है, पारिस्थितिकी तंत्र। पर्यावरण हम समझ लिए, अब पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, पर्यावरण के साथ में जीवों का कैसा संबंध है, ये पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। उपभोक्ता क्या होता है, उत्पादक क्या होता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सर्वोच्च उपभोक्ता, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल क्या होता है, ये सब पारिस्थितिकी तंत्र में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जैव विविधता इसको मापते कैसे हैं, इसकी रिचनेस क्या होती है, प्रारूप कैसा होता है, समरूपता क्या होती है, जैव विविधता के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए गए हैं, कौन कौन से खतरे हैं, कौन कौन से संरक्षण के लिए इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर उपाय किए जा रहे हैं, वो सब पढ़ेंगे। आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देंगे। प्रदूषण, पोल्यूशन प्रभाव क्या होते हैं, पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन का प्रभाव क्या पड़ता है मानव जीवन पर, प्रभाव क्या होता है, पोल्यूशन निर्मुक्ति के लिए कौन सा कानून बनाया गया है, ये एक एक चीज हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये परंपरागत है, यहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में गैर परंपरागत चीजें भी शामिल हो गई। जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, हम जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेंगे उतना ही गर्मी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, समस्याएं आएंगी। ओजोन क्षरण बहुत बड़ी समस्या है, ओजोन गैस में हम अपनी सुविधा के लिए एसी चला रहे हैं, फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी क्रीम वगैरह यूज़ कर रहे हैं जिसमें फ्रियोन गैस CFC गैसेस पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं ओजोन के क्षरण में जिम्मेदार हैं। तो ओजोन क्या है, क्षरण क्या है, हम डिटेल में देखेंगे। सम्मेलन कॉप कौन कौन से होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होती हैं, सम्मेलन क्या होते हैं, वार्ताएं क्या होती हैं, हम देखेंगे प्रोटोकॉल क्या होते हैं, पेरिस समझौता क्या है, नागोया प्रोटोकॉल क्या है, ये सब हम इसके अंदर देखेंगे। विभिन्न प्रकार के संगठन देखेंगे, कौन कौन से संगठन जो पर्यावरण के क्षेत्र में लाभ पहुंचा रहे हैं। कानूनी जो आपके सब्जेक्ट में दिया हुआ है, कानूनी रूप से हमने क्या क्या प्रावधान किए हैं, और सतत विकास क्या होता है, धारणीय विकास क्या होता है, ये हमें पूरा का पूरा हमारे पारिस्थितिकी और पूरी की पूरी चीज़ों को पढ़ना है पर्यावरण के अंतर्गत। तो हम सबसे पहले कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र करेंगे। कौन सा करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र वाला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 11 नंबर का प्रश्न बन सकता है, और तमाम एग्जाम जिनमें पर्यावरण आता है वहाँ यहाँ से प्रश्न निकल कर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। अगर MPPSC मेंस पेपर 3 की 10 यूनिट पढ़ना चाहते हो तो डाउनलोड कर लो जीएस जीनियस एकेडमी का एप्लीकेशन, टू द पॉइंट तरीके से, बेहतरीन तरीके से कंटेंट और हर एक चीज़ आपको समझाई जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।